पुलवामा मुठभेड़ में हिजबुल कमांडर समीर भट्ट की मौत। आतंकवादी ने सोशल मीडिया पदों के लिए प्रसिद्धि की गोली मार दी। समीर भट्ट उर्फ टाइगर एके जोड़ जोड़ श्रेणी के आतंकवादी जिन्होंने अफगानिस्तान में विशेष बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली अमेरिकी M4 कार्बाइन के साथ अपनी तस्वीर के बाद प्रसिद्धि के लिए गोली मार दी, सोशल मीडिया पर वायरल चला गया। अस्थिर दक्षिण में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में गोली मार दी गई कश्मीर के पुलवामा जिले। सोमवार दोपहर अपने सहयोगी एक इब्वानी के साथ दोनों पुलवामा से सम्मानित थे। समीर एक हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी पटेल की हत्या के पीछे हैं। मार्च 2016 सेकंड सक्रिय थे जब उन्हें पुलिस हिरासत में रिहा कर दिया गया था। पिछले हफ्ते राजपोरा गांव में पटेल को दिन के उजाले में गोली मार दी गई थी। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि टाइगर को 24 मार्च 2016 को पत्थर पलटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2-9 मार्च को रिहा कर दिया गया था। वह एक पुरानी पत्थर पिल्टर और हिजबुल मुजाहिदीन के एक अधिक जमीन कार्यकर्ता थे। हिरासत से रिहा होने के बाद वह हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया, लेकिन हाल ही में जैश ए मोहम्मद के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। अधिकारियों ने कहा कि जैश के लिए स्विच करने के कारण स्पष्ट हैं। हालांकि समीर जो नियमित रूप से सोशल मीडिया पर राउंड करने वाली अपनी तस्वीरों और वीडियो के साथ तकनीक समझदार थे, ने हिजब नेतृत्व को परेशान कर दिया था, जिन्होंने उन्हें इस तरह की चाल पोस्ट करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा वह एक गर्म सिर वाला लड़का था और शायद उसके कारण वह अलग अलग तरीके से अलग हो सकता था। हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी समीर टाइगर की फाइल छावी जो सोमवार को मारे गए थे, समीर यासीर फर्स्ट पोस्ट द्वारा खरीदी गई छावी। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में मुठभेड़ की जगह पर 14 वर्षीय नागरिक भी मारे गए, जबकि 15 अन्य घायल हो गए, उनमें से 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एक मेजर समेत 2 सेना के सैनिक भी आतंकवादियों के साथ आग के शुरुआती आदान प्रदान में घायल हो गए थे। आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में इनपुट के बाद बलों ने एक खोज ऑपरेशन शुरू करने के बाद संघर्ष शुरू किया। सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र को घेर लिया, लेकिन वे आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप 3 सेना सैनिकों को चोट लगी, जो एक गंभीर राज्य में श्रीनगर में सेना के बेस अस्पताल पहुंचे। एक वरिष्ठ सेना अधिकारी कहा हुआ, उन्होंने कहा कि उग्रवादियों से बचने से रोकने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त बलों को भेज दिया गया था। जैसे ही मुठभेड़ की खबर फैल गई और भारत विरोधी और स्वतंत्रतावादी नारे उठाए, जैसे ही महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों लोग इस क्षेत्र में पहुंचे, इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने उन्हें विचलित करने और आतंकवादियों से बचने में मदद करने के लिए सेनाओं पर पत्थरों को गोली मार दी। सेना के एक अधिकारी ने कहा, क्षेत्र में खड़ी एक CRPF वाहन को भीड़ ने उखाड़ फेंक दिया था, लेकिन घटना के दौरान किसी भी कर्मियों को जीवन या चोट का कोई नुकसान नहीं हुआ था। मुठभेड़ स्थल पर गए आसपास के अकाल गांव का निवासी नाजीर भट्ट ने फोन पर फर्स्ट पोस्ट को बताया कि पुलिस ने विरोधियों की भीड़ को धक्का देने और ऑपरेशन जारी रखने के लिए अश्रुओं और छर्रों को निकाल दिया। सेनाओं ने शुरुआत में हवाई जहाजों को फैलाने के लिए निकाल दिया प्रदर्शनकारियों, और जब यह काम नहीं करता है तो उन्होंने सीधे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, सूत्रों ने कहा। पुलवामा के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा कि कम से कम 15 प्रदर्शनकारियों को गोली और बुलेट की चोटों का
सामना करना पड़ा था, जिनमें से 5 को विशेष इलाज के लिए श्रीनगर भेजा गया था पुलवामा अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक अब्दुल रशीद पारा ने कहा। उनमें से 2 गंभीर राज्य में थे। अरिहाल गांव के निवासी शाहिद अहमद को पुलवामा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने मारा। पुलिस ने 2 आतंकवादियों समीर भाट उर्फ टाइगर और पुलवामा के दोनों निवासियों अकीब वानी को मतभेड़ में मारा था। उनके शरीर को दफनाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को सौंप दिया जा रहा है। पुलिस के अनुसार समीर इस क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों पर कई हमलों में शामिल थे। हमारी सेना क्षेत्र में एक मॉपिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, एसएसपी पुलवामा मोहम्मद असलम ने कहा कि एक खोज अभियान भी चल रहा है और कहा कि हिजबुल आतंकवादिया की हत्या के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाया गया है। विरोध प्रदर्शन अधिकारियों ने दक्षिण कश्मीर जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा छीन ली है, जबकि हर दिन हजारों यात्रियों द्वारा रेल सेवा का उपयोग किया जाता है। यात्रियों को किसी भी नुकसान को रोकने के लिए दिन के लिए भी निलंबित कर दिया गया है। स्थिति में तनाव के लिए तैनात अतिरिक्त बलों के साथ क्षेत्र में तनाव सूजन हो रही है। पुरुषों और महिलाओं की बड़ी भीड़ मारे गए आतंकवादियों और नागरिकों के निवास पर अपने अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए इकट्ठी हुई है।